सतीश कौशिक को हमारी श्रद्धांजलि। 2019 में पुलवामा में हुए हमले में शहीदों की वीरांगनाएं धरने पर बैठी हैं। वीरांगनाएं नौकरी की मांग को लेकर अड़ी हुई हैं, अडिग हैं। ये वीरांगनाएं पिछले 9 दिन से धरना दे रही हैं। इन्होंने आज जयपुर में सीएम आवास की तरफ कूच किया। इस दौरान पुलिस ने राजभवन चौराहे पर इन्हें रोका। प्रदर्शन के दौरान शहीद की वीरांगना सुंदरी देवी की तबीयत बिगड़ गई। इनके साथ धरने पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी बैठे। सचिन पायलट ने भी वीरांगनाओं की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी है। यह है सिविल लाइन का पौश इलाका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ के बंगले की तरफ जाने वाला रास्ता। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस के इंतजाम यहाँ हैं। और ये दूसरा रास्ता यहाँ से जाता है सचिन पायलट के घर की तरफ, जहाँ पर कि पुलवामा शहीद की वीरांगना है पिछले 3 दिन से धरना दे रही है। हालांकि इनका धरना तो पिछले 10 दिन से चल रहा है, लेकिन आज अचानक ही ये उठकर सीएम के घर के बाहर उनसे मिलने, धरना देने पहुंचने जाने लग गई थी। क्योंकि सीएम की ओर से एक और ट्वीट आया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गलत जानकारी दी गई इनकी मांगों को लेकर, क्योंकि इनकी मांगे ही कुछ ऐसी है जिसे माना जाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। संभव इस लिहाज से नहीं है क्योंकि यदि इनके या इनके बेटे की जगह इनके रिश्तेदारों को नौकरी दी जाती है नियमानुसार में, वो नियम में नहीं आते हैं, तो हो सकता है इस तरह की मांग उठने लगे और आने वाले दिनों में शहीद वीरांगनाओं को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ जाए। उन्होंने इस दोनों पहलुओं को लेकर राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे फैक्ट वाली रिपोर्ट भी भेजी है और बताया गया है कि क्यों इनकी मांगे जायज नहीं है। फिलहाल तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं यहाँ पर इस बैरिकेड्स के पास। जब ये बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ आकर धरना देने लगी तो इन्हें उठा लिया गया यहाँ से और वापस अपनी जगह पे इन्हें भेज दिया गया, यानी कि पायलट सचिन पायलट के घर के बाहर जाकर ये फिर से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। फिलहाल तो इनकी मांगे अपनी जगह हो सकती है, लेकिन राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने भी दो नहीं 3 बार इन लोगों को साफ कह दिया कि उनकी मांगे माना जाना कतई संभव नहीं है, क्योंकि नियम कायदों के अनुसार यह एक गलत परंपरा रखेंगे जो वे नहीं चाहते शहीदों की वीरांगनाओं के साथ आने वाले दिनों में। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। 3 बार कर दे उन्हें, चलो वो हमारे को नहीं बुलाना चाहते है तो हमारे पास आके 2 मिनट मिल सकते है ना, यहाँ जाओ। हमें 3 वीरांगना है, हमें अकेले जाके मिलने से फिर भाई कोई लूटपाट थोड़ी कर रहे हैं। गहलोत जी से ये विनती कर रही हैं जो एक परंपरा के हिसाब से हरी धूप मुंह में लेके और नीचे पेट पलान धो खा के और विनती कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं कि अशोक गहलोत जी आप हमें मीडिया के इससे देखो, आप हमारी क्या हालत हो रही है, हमारे से मिल लो, मिल लेंगे, उन्होंने आश्वासन दे देंगे, बात खत्म। तो ये धरने की तस्वीरें जयपुर की हैं। वीरांगनाएं जो हैं पुलवामा में हुए हमले में शहीदों के परिवारों से ताल्लुक़ रखती हैं, धरने पर बैठी हैं, नौकरी की मांग को लेकर अड़े हैं, पिछले 9 दिन से धरना दे रही हैं। जयपुर में सीएम आवास की तरफ कूच भी किया इन्होंने और इस दौरान इन्हें रोका भी गया। इनका ये कहना है कि जब तक नौकरी नहीं तब तक वापसी नहीं करेंगे। गुहार लगा रही हैं राज्य सरकार से, वादा पूरा करो, नौकरी दो। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि रूल्स के हिसाब से यह संभव नहीं कि उनको नौकरी दी जाए। हालांकि सचिन पायलट ने भी इस बाबत चिट्ठी लिखी है। अब ये मामला क्या मोड़ लेता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आज की जयपुर की है जहां पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाएं धरने पर हैं और कह रही हैं कि जब तक नौकरी नहीं तब तक वापसी नहीं।